अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आवाज आ रही है मेरी? कैन यू हियर मी? ग्रेट। अच्छा जी, सिक्स चैप्टर को आज हमने करना है कंक्लूड, और इसके पास्ट पेपर क्वेश्चंस को रिव्यू करना है। ट्रिगर्स कल पढ़ लिए थे, कोपिंग स्ट्रेटजीज, बल्कि इनफैक्ट हमने कल चैप्टर पूरा कर ही दिया था। यस, वी कंप्लीटेड इट यस्टरडे। हमने इस चैप्टर को कल रैपअप कर दिया था, तो लेट्स हैव अ क्विक रीकैप ऑफ द चैप्टर एंड वी टॉक अबाउट इट्स पास्ट पेपर क्वेश्चंस। प्लस आपका आज 11 चैप्टर के सेकंड हाफ का टेस्ट भी स्केड्यूल्ड है, अपलोड हो चुका है, अटेम्प्ट कीजिएगा, सबमिट करवाइएगा उसको। 11 चैप्टर को ज़रा ध्यान से समझ के, ज़रा क्लैरिटी के साथ तैयार करें। 11 चैप्टर आपका पेपर में आपकी पासिंग रेशियो को बढ़ाने में, आपकी प्रोबेबिलिटी टू पास द एग्ज़ाम, इसको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। सो जितना ज़्यादा आपने इसको प्रिपेयर अच्छे तरीके से किया होगा, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू टू पास योर एग्ज़ाम। ठीक है, तो दैट्स एन इम्पॉर्टेंट फिनोमेना विच यू शुड बी लुकिंग फॉरवर्ड टू। अच्छा जी, उसके बाद हम बात करते हैं इस चैप्टर के पास पेपर क्वेश्चंस के ऊपर। तो आई हैव जस्ट पुल्ड अप ऑल द क्वेश्चंस। हम शुरू करेंगे फ्रॉम सितंबर 18। अभी जो रिसेंट अटेम्प्ट गुजरी है, इससे हम स्टार्ट करेंगे एंड वी विल गो बैक एंड वी विल सी कि किस किस अटेम्प्ट में, इस चैप्टर में से कौन कौन सा क्वेश्चन पेपर में अपेयर हो चुका है। ठीक है, दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू टेक इट अलॉन्ग एज वी ऑलवेज डू। पास पेपर को ज़रा डिटेल में आपने देन नोट किया होगा कि मैं नॉर्मली तकरीबन एक लेक्चर पूरा ही पास पेपर डिस्कशन को दे देता हूँ एक चैप्टर की, सो यू कैन अंडरस्टैंड एंड इमेजिन दैट हाउ इम्पॉर्टेंट दिस डिस्कशन इज़ फॉर मी। क्योंकि पास पेपर्स की जो वॉइस होती है ना, जिसकी टोन होती है क्वेश्चंस की, ये बड़ा कुछ सिखा देती है आपको। जितनी आपने पास पेपर्स फ्रीक्वेंटली पढ़े होंगे, समझे होंगे, अटेम्प्ट किए होंगे, दैट विल बी एक्सट्रीमली हेल्पफुल फॉर यू टू क्रैक अ क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन। क्योंकि पेपर में आपकी जो है वो क्या उसे कहते हैं, टोन जो है एग्जामिनर की, वो चेंज नहीं होती। एग्जामिनर की जो टोन है पेपर में, वो सेम रहती है। एग्जामिनर नेवर चेंजेस हिज टोन। ठीक है, तो आपको ये बड़ा क्लियरली फिर समझना होता है। लेट्स नाउ स्टार्ट टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 9, पार्ट ए एंड पार्ट बी। ये तो हमने खैर पहले भी डिस्कस कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट ए जो है एग्जाम में, ये था आउटकम्स ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन। ऑर्गेनाइजेशन को क्या फ़ायदा होता है और कस्टमर्स को क्या फ़ायदा होता है। तो दो आउटकम्स जॉब सेटिस्फेक्शन के पूछे एग्जामिनर ने जॉब सेटिस्फेक्शन के हवाले से क्वेश्चन नंबर 9 के पार्ट ए में। और 9 का पार्ट बी था कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड एक्सप्लेन करें और वन एग्जाम्पल ऑफ ईच। हर एक की एक एक एग्जाम्पल देनी है। वो एग्जाम्पल एग्जैक्टली वही थी, वो जो क्रोकोडाइल वाली या वो लॉयन वाली जो आपकी बुक में भी दी गई है, सेम एग्जाम्पल। ठीक है, यू कैन सी कि ये 10 नंबर स्कोर करना कितना आसान है। हाउ ईजी इट इज़ टू स्कोर दीज 10 मार्क्स। इस 10 में से अगर आप 9 मार्क्स स्कोर नहीं कर पा रहे मिनिमम, तो इट मीन्स कि आपकी तैयारी में इशू है, या आप बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लूज कर रहे हैं इन ऑर्डर टू पास योर एग्जामिनेशन। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल फॉर दीज मार्क्स। इस तरह के मार्क्स पेपर में बड़े स्ट्रेट होते हैं, बड़ी क्लियरली इस तरह के मार्क्स जो हैं वो आपको डिटर्मिन करते हैं कि आप किस तरह से स्कोर करेंगे। ठीक है, सो दैट्स एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो अटेम्प्ट सितंबर 18 में आपके सामने पेपर में आ जाता है। इसे पीछे मूव करें, इफ यू मूव अ बिट इन द प्रीवियस अटेम्प्ट, तो जॉब स्ट्रेस के ऊपर सवाल आया था, ट्रिगर्स ऑफ जॉब स्ट्रेस और कोपिंग स्ट्रेटजीज ऑफ जॉब स्ट्रेस। जॉब स्ट्रेस के ट्रिगर्स क्या होते हैं और जॉब स्ट्रेस की कोपिंग स्ट्रेटजीज। कोपिंग स्ट्रेटजीज का टॉपिक फर्स्ट टाइम टेस्ट हुआ है, इससे पहले कभी टेस्ट नहीं हुआ था। ट्रिगर्स का सवाल पहले भी आ चुका है, ट्रिगर्स का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में इससे पहले भी अपेयर हो चुका है। सो जॉब स्ट्रेस के ट्रिगर्स क्या होते हैं एंड हाउ डू वी ट्राई टू कोप विद जॉब स्ट्रेस, हम कैसे कोप करते हैं जॉब स्ट्रेस के साथ। क्वेश्चन की अगर हम नेचर देखें, क्वेश्चन किस तरह पुट किया था एग्जामिनर ने पेपर में, इफ यू लुक एट हाउ द क्वेश्चन वॉज पुट इन द एग्जामिनेशन। Okay, so this was the question.
और दिस इज अ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है, सिचुएशन दी जा रही है और उसके अंदर उसके दो एम्प्लॉइज को डिस्कस किया जा रहा है, सलमान एंड सानिया, हु वर वेरी सेटिस्फाइड विद देयर वर्क एनवायरनमेंट एंड देयर एमोल्यूमेंट्स. एमोल्यूमेंट्स कहते हैं आपके ये जो सैलरी वगैरह जो होती है आपकी. हाउएवर ड्यूरिंग द पास्ट सिक्स मंथ्स सम ऑफ द मेजर क्लाइंट्स have left, resulting in significant decline in profitability of the firm. Persistent downward trend जो है stock exchange का, ये एक और challenge है. अब इस case में से आपने triggers निकालने हैं basically. तो firm अब company के employees को bonus नहीं दे रही. Ongoing rumor भी है कि कुछ employees को lay off किया जाएगा, redundant किया जाएगा. ठीक है, तो एक सुबह supervisor जो है उसने reprimand किया. Reprimand कहते हैं डांटने को. उसने डांटा सानिया को कि वो लेट क्यों आई है जॉब पे, दूर से आती है और ये पहली दफा नहीं है कि वो लेट आई है, कि उसे कभी डांट नहीं पड़ी. सानिया भी अपनी वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में कंसर्न है. ऑन द अदर हैंड सलमान इज आल्सो वरीड अबाउट पेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन इंस्टॉलमेंट इज ड्यू नेक्स्ट मंथ. अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि अंडर अप्रोप्रिएट हेडिंग्स आपने ट्रिगर्स बताने हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स के, ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स के और पर्सनल फैक्टर्स के. अंडर अप्रोप्रिएट हेडिंग अब आपने ट्रिगर्स बताने हैं. फॉर एग्जाम्पल एनवायरमेंटल फैक्टर्स का जो ट्रिगर है वो क्या है, आपकी जो इकोनॉमिक्स जो इकोनॉमिकल फैक्टर्स हैं, जो टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स हैं. ठीक, अगर हम इसका सोलूशन देखें, व्हाट क्वेश्चंस दे हैव, व्हाट आंसर्स दे हैव पुट इनटू द सोलूशन, उन्होंने कौन कौन सा फैक्टर कहाँ कहाँ डाला हुआ है. लेट्स क्विकली सी इफ वी कैन फाइंड द सोलूशन. This was from March. Okay, ये था जी recommended solution examiner का. अब ये जो stock exchange का downward trend है ये environmental factor में है. नया tax लगा रही है government, ये environmental factor में है. Work environment hostile हो रही है, डांट पड़ी है, bonus company नहीं दे रही, रूमर है कि एम्प्लॉय को ले ऑफ किया जाएगा. पर्सनल फैक्टर क्या है, फाइनेंशियल स्ट्रेस है, उसने अपने हाउस का लोन पे करना है, वो उसका घर दूर है, उसकी जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही हैं, ये पर्सनल फैक्टर्स हैं. तो आपने बेसिकली इन इस पैराग्राफ में से आपने जॉब स्ट्रेस के फैक्टर्स को पिक करना था और आपने अप्रोप्रिएट हेडिंग्स में डालना था. नाउ दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, हेडिंग्स में डालना. ब्रीफली डिस्कस द टैक्टिक्स विच सलमान एंड सानिया में अप्लाई टू रिड्यूस द स्ट्रेस, 4 मार्क्स. हमने कोपिंग स्ट्रेटजीज में बहुत सारे टैक्टिक्स डिस्कस किए थे, तो वो कौन से टैक्टिक्स हैं जो कि सलमान और सानिया यूज कर सकते हैं, डिस्पेल करें स्ट्रेस को, एलिमिनेट सेल्फ रिपीटिंग बिहेवियर, प्रायोरिटाइज करें अपने काम को. ठीक है, उसने ये वाले 3 दिए हैं. देर आर अदर्स एज वेल. ठीक है, लेकिन क्वेश्चन सिर्फ 4 मार्क्स का है, तो यहाँ पे चैलेंज अब ये आएगा कि एज मैनी एज यू कैन पुट, क्योंकि एग्जामिनर के सोल्यूशन के मुताबिक ये 3 हैं, लेकिन आपने एज मैनी एज आपने पुट करने हैं. ठीक है, क्योंकि टैक्टिक्स तो बहुत सारे हैं ना, एक लंबी लिस्ट है जो हमने डिस्कस की थी. सो दिस दिस क्वेश्चन वर्थ 10 मार्क्स वाज देयर फ्रॉम चैप्टर नंबर 6 अगेन. इससे पीछे मूव करें अगर, इसमें देखने कोई और क्वेश्चन तो नहीं था ना. नहीं, 6 में से यही था. ओके, इससे पीछे मूव करें तो जो अटेम्प्ट थी हमारी सितंबर 17 की, सितंबर 17 में एग्जामिनर ने कोई क्वेश्चन नहीं पुट किया फ्रॉम 6 चैप्टर. उससे पीछे मूव करें तो परसेप्शन की डेफिनेशन पूछी थी मार्च 17 में. एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था बेसिकली, इट वाज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इन मार्च 17 जिसमें परसेप्शन को डिफाइन करने को कहा गया था मार्च 17 में. This is March 17, autumn 17. Sorry, ये तो autumn 17 है, September है. Where is March 17? Let me pull up the paper.
ओके, ये है जी मार्च 17 का पेपर। मार्च 17 में क्वेश्चन नंबर 5, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, उसका चौथा ये वाला। परसेप्शन इज एन एक्टिव साइकोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ व्हाट, ऑफ सिलेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग स्टिमुलाई दैट रीइंफोर्सेस आवर व्यू पॉइंट, सिलेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग स्टिमुलाई इनटू मीनिंगफुल पैटर्न्स। ओके, दिस वाज द आंसर, सी इज का आंसर था। ठीक है, आप स्टिमुलाई को ऑर्गेनाइज सिलेक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, उससे आप एक मीनिंगफुल पैटर्न को अंडरस्टैंड करते हैं। यू ट्राई टू अंडरस्टैंड अ मीनिंगफुल पैटर्न, ठीक है, इसे कहते हैं परसेप्शन। तो एक ये पार्ट था पेपर में, और इसके अलावा दैट वाज द ओनली पार्ट। तो आप देखें, दो कंसेक्यूटिव अटेम्प्ट्स में एग्जामिनर ने 6 चैप्टर को कोई तवज्जो नहीं दी। उसके बाद दो कंसेक्यूटिव अटेम्प्ट्स में काफ़ी हेल्दी हेल्दी क्वेश्चन किए 10 10 मार्क्स के। उससे पीछे जाएँ तो सितंबर 16 में भी काफ़ी सारे क्वेश्चन थे। 6 का पार्ट A भी था, 6 का पार्ट B भी था, और मैंने जैसे आपको बताया था कि वो जो परसेप्चुअल डिस्टॉर्शन इन डीलिंग विद अदर्स है, ये वाहिद क्वेश्चन है जो एक ही अटेम्प्ट में 2 डिफरेंट क्वेश्चन में आया था। देख रहे हैं, 6 का पार्ट A और क्वेश्चन नंबर 7 दोनों क्वेश्चन एक ही टॉपिक में से थे। सो दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पेपर, लेट्स गो टू इट। इट वॉज इन सितंबर 2016, सितंबर 2016 के पेपर में अगर हम देखें तो एग्जामिनर ने बड़ी इंटरेस्टिंगली इसके ऊपर, दिस वाज द पेपर, क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट A, ये एट टाइम इवन हाईली एक्सपीरियंस एंड नॉलेजेबल इंडिविजुअल मेक परसेप्चुअल एरर इन देयर असेसमेंट ऑफ पीपल, लिस्ट 4 रीजंस व्हिच इन योर ओपिनियन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर परसेप्चुअल एरर्स। 4 मार्क्स, लिस्ट 4 रीजंस, आइडियली सिर्फ नाम देने थे। लेट्स लुक एट द अटेम्प्ट, इसके आंसर को देखते हैं कि इसने एक्सप्लेन किया या सिर्फ नाम दिए। सो लेट्स लुक एट द रिकमेंडेड सॉल्यूशन बाय आईकैप, दैट वेदर दे हैव एक्चुअली गिवन द नेम्स ओनली। हाँ देखिए, उसने उसने वन वर्ड एक्सप्लेनेशन दी है, लाइक दिस इज सिलेक्टिव परसेप्शन, दिस इज प्रोजेक्शन, मेकिंग जजमेंट रिगार्डिंग जनरली हेल्प बिलीव, ये स्टीरियोटाइपिंग, ठीक है, रीचिंग जजमेंट और कंक्लूजन बेस्ड ऑन इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर्स दैट कैन बी हेलो इफेक्ट। वैसे हेलो इफेक्ट तो आपका जो है वो यहाँ पे भी आता, मतलब उसने उसने वन लाइनर एक्सप्लेनेशन दी है। एग्जैक्टली, तो उसने वन लाइनर तो लिस्ट नहीं किया, सिर्फ नाम नहीं दिया, एक्सप्लेनेशन भी दी। और क्वेश्चन नंबर 7 सेम टॉपिक था। ये देखें, क्वेश्चन नंबर 7 जो है कह रहे, मैच द सिनेरियो गिवन बिलो विद अप्रोप्रिएट कॉन्सेप्ट ऑफ बिहेवियोरल परसेप्शंस। ओके, मैनेजमेंट ऑफ एवरशाइन एंटरप्राइज कंसीडर्ड वेल ड्रेस्ड एम्प्लॉई टू बी हाईली इंटेलिजेंट and they are rated favorably for rapid promotion, whereas those employee who do not care much about their appearance are ignorant for career advancement. हाँ जी, कौन सा एरर है इसमें, किस एरर की बात हो रही है? We are talking about the halo effect. Very good, good, शाबाश. Among the large group of outstanding students, it is extremely difficult for an individual of average intelligence to be rated in the top 10 percentile, but in a relatively less intelligent group, a student of average intelligence is more likely to be considered. Contrast effect, great. An individual who is upright and honest in personal dealings with others is more likely to accept other person as being upright and honest. हाँ जी, जो आप हैं वही दूसरों में देखते हैं, that is projection. Good. Switch watches are acknowledged to be of greater accuracy and durability as compared to watches made in other countries. Stereotyping, शाबाश. An individual watching a TV talk show should readily accept opinion of the participant that fits with his or her viewpoint and tend to distort and reject those which his points are not, जो उसकी opinion है उसके accordingly नहीं है, that is selective perception. So 5 marks, straight forward. ये answer में भी उसने list दी है, hello, contrast, projection, stereotyping and selective perception, straight forward 5 marks, ठीक है? So एक तो ये question था paper में, और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट B भी था।
तो आप देखें एग्जामिनर ने ठीक ठाक मार्क्स पूछे थे सिक्स चैप्टर में से, 4, 6, 10 और 5, 15 मार्क्स सारे के सारे आपके इस चैप्टर में से थे। एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट एटीट्यूड का डिफरेंस बताएं। वाइल इंटरव्यूइंग अ कैंडिडेट फॉर द पोजीशन ऑफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर वेदर यू वुड मोर क्लोजली असेस द इंडिविजुअल्स एक्सप्लिसिट एटीट्यूड और इम्प्लिसिट एटीट्यूड, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। आप जब हायरिंग कर रहे होते हैं किसी सेंसिटिव पोजीशन के लिए तो आप इम्प्लिसिट एटीट्यूड्स को ज्यादा सेंस करते हैं। इसके आंसर में क्या दिया हुआ है एग्जामिनर ने? एक्सप्लिसिट एटीट्यूड इज अ टेंडेंसी ऑफ बिहेवियर, एक्सप्लेन कर दिया। इम्प्लिसिट एटीट्यूड इज कंट्रोल्ड बाय, ये भी एक्सप्लेन कर दिया। एंड देन यू विल केयरफुली, ये इम्प्लिसिट एटीट्यूड को आप केयरफुली सेंस करेंगे, यू विल सेंस इम्प्लिसिट एटीट्यूड मोर केयरफुली। ठीक है, या जैसे भी आपको बताया। सो ये क्वेश्चन थे आपके एग्जामिनेशन में फ्रॉम सितंबर 2016। मार्च 2016 में परसेप्चुअल सिलेक्टिविटी के ऊपर क्वेश्चन था, इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या थी। मार्च 2016 के पेपर की स्टेटमेंट, क्वेश्चन नंबर वाज 9B। ओके, दिस वन, व्हाट इज परसेप्चुअल सिलेक्टिविटी, लिस्ट 4 एक्सटर्नल स्टिमुलाई to which individual tend to pay greater attention. Straight. External stimuli, चार नाम लिखने थे, 4 marks, straight forward. ठीक। And this was the only question from this attempt in this chapter. और पीछे move करें, September 15 में question number 1 का part B था, again triggers of job stress के ऊपर, September 15 में triggers of job stress के ऊपर question था. This was September 15 and this was, तो उसने क्या पूछा था, उसने पूछा था environmental और organizational work related factors को explain करें जो कि job stress को trigger कर सकते हैं। Exactly, देनी थी explanation, बिल्कुल देनी थी, you have to give explanation. Okay, तो triggers पूछे थे job stress के, environmental factors, ठीक है, 5 environmental factors और वर्क रिलेटेड फैक्टर्स, 5 marks, स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो एक ये क्वेश्चन था 1 का पार्ट बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, 1 और 2, अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 कैसा था? ओके, वो मैचिंग द सेंटेंस विद द टर्म। तो 1 और 2, बिकॉज इन एडिक्वेट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम शाहिद इज ऑफन लेट इन रीचिंग ऑफिस, हिज सुपरवाइजर समद कंसीडर दिस एन अनडिजायरेबल ट्रेट एंड इवैल्यूएट शाहिद एनुअल परफॉर्मेंस ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्राइटेरिया। हाँ जी, कौन सा एरर है ये? हेलो इफेक्ट, डी। ठीक, और दूसरी स्टेटमेंट थी 1 और 2, सेकंड भी, इट इज जनरली बिलीव दैट वर्कर फ्रॉम अ सर्टेन रीजन ऑफ कंट्री परफॉर्म बेटर इन फिजिकली चैलेंजिंग शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री। हाँ जी, स्टीरियोटाइप ए, सिंपल। तो ये दो क्वेश्चन थे, इससे पीछे मूव करें तो मार्च 15 में क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट है। 8 था कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड के ऊपर, 9 नंबर का सवाल था ये, स्ट्रेट फॉरवर्ड, 9 मार्क्स। और क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट ए था डिफाइनिंग जॉब सेटिस्फेक्शन क्या होती है। और पीछे मूव करें तो क्वेश्चन नंबर 9 के पार्ट बी में परसेप्शन की डेफिनेशन थी, और सेम क्वेश्चन में फैक्टर्स पूछे गए थे जो परसेप्शन को अफेक्ट करते हैं। ऑटम की जो पहली अटेम्प्ट थी, ये भी अगर आपको दिखाऊंगा, डेफिनेशन पूछी गई थी 2 नंबर की, और उसके 6 नंबर के उसके कॉम्पोनेंट पूछे गए थे मार्च 15 में। सो दीज आर द ओनली 2 क्वेश्चन, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 9 के पार्ट ए में जॉब सेटिस्फेक्शन के ऊपर भी क्वेश्चन था। सो यू कैन वेरी, अच्छा अगर आप देखें तो 6 चैप्टर के कौन कौन से टॉपिक्स अभी अनटेस्टेड हैं, फैक्टर्स दैट अफेक्ट जॉब सेटिस्फेक्शन, अगर आप रोज को देखें यू विल फाइंड देयर आर सो मेनी रोज जो अभी तक अनटेस्टेड है। फॉर एग्जाम्पल ये वाली रो अनटेस्टेड है, फिर एटीट्यूड एंड ये दोनों रोज अनटेस्टेड है। देखें ये रोज आपको ये बता रही है कि इन टॉपिक में से कभी क्वेश्चन नहीं आया, और कॉलम्स आपको ये बता रहे हैं कि कौन सा टॉपिक कितनी दफा रिपीट हुआ है। जैसे यहाँ देखें कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड 2 दफा रिपीट हुए हैं, ठीक है, ये यहाँ भी रिपीट हुआ, यहाँ भी रिपीट हुआ,
तो बेसिकली कॉलम जो है वो आपको बताते हैं कि चैप्टर ओवरऑल कितना ज़्यादा टेस्ट हुआ है, एक अटैम्प्ट का रोज बताती हैं कौन सा टॉपिक टेस्ट हुआ कौन सा टॉपिक टेस्ट नहीं हुआ। दैट इज़ हाउ यू कैन क्रैक दिस पर्टिकुलर फिनोमेना एंड यू कैन मेक द बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ दिस। गॉट इट? तो ये हैं हमारे पास पेपर्स इस चैप्टर के एंड इसके अगला जो हमारा चैप्टर है वो है मोटिवेशन। हाँ ये आसान चैप्टर है, मैंने आपको पहले भी कहा है कि सिक्स चैप्टर से ऑनवर्ड्स जो कॉन्सेप्ट्स है ना वो बहुत ट्रिकी नहीं है, बहुत बहुत क्रिटिकल नहीं है। ठीक है, सिक्स चैप्टर से जो ऑनवर्ड है वो बहुत ज्यादा ट्रिकी नहीं है। सेवन चैप्टर भी मोटिवेशन के ऊपर है, ये सारे ये भी बिहेवियर का ही एक कंपोनेंट है मोटिवेशन। और इसके अंदर हम बहुत सारी थेरीज को डिस्कस करेंगे मोटिवेशन की। दैट इज कंटेंट थेरीज एंड प्रोसेस थेरीज एंड रिवॉर्ड सिस्टम्स। हाँ पैसा इसमें डिस्कस होगा, रिवॉर्ड्स, मॉनेटरी रिवॉर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ एट वर्क, फॉर एडवांसमेंट्स एट वर्क। वर्क एडवांसमेंट्स के लिए, वर्क ग्रोथ के लिए पैसा चाहिए होता है। सारे काम पैसे से होते हैं, पैसे के बगैर तो कोई काम नहीं होते। तो ये हम इंशाल्लाह टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हाउ मेनी ऑफ यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर द टेस्ट और एक्चुअली हैव अटेम्प्टेड इट सो फार? कितने लोगों ने 11 चैप्टर का सेकंड पार्ट का टेस्ट दे दिया है अभी तक, क्लास से पहले पहले या अभी देना है? एंड हाउ मेनी ऑफ यू आर स्टिल वेरी गुड, शाबाश शाबाश शाबाश, गुड गुड। चले तो व्हाट डू यू सजेस्ट, चैप्टर स्टार्ट कर लें या टेस्ट अटेम्प्ट करना है आपने पहले? चैप्टर मंडे को स्टार्ट करें क्योंकि वी स्टिल हैव लाइक 30 मोर मिनट्स। तो यू वांट टू डेडिकेट दिस टाइम टू अटेम्प्ट योर टेस्ट, आई एम ओके विद इट। इफ यू वांट मी टू स्टार्ट द चैप्टर तो हम कर सकते हैं। चलें ठीक, गो एंड अटेम्प्ट योर टेस्ट देन। तो हम इंशाल्लाह फिर मंडे को चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, टेस्ट अटेंड करके सारे सबमिट करवा दें। ओह आई एम सॉरी, आज सैटरडे थोड़ी, आज तो फ्राइडे है। हाँ कल कल कल, आई एम सॉरी, नॉट मंडे, टुमारो, कल क्लास है भाई। हाँ जी, अच्छा मैं सोच ही बैठा हूँ आज सैटरडे है, नहीं नहीं आज फ्राइडे है। ओके सो टुमारो वी आर गोइंग टू हैव अ क्लास। ठीक है, इंशाल्लाह कल क्लास होगी हमारी, नॉट ऑन मंडे। तो इंशाल्लाह कल फिर स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को और फिर आगे से नेक्स्ट वीक में कंटिन्यू करेंगे। सो गो एंड अटेम्प्ट योर टेस्ट देन। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।